और तभी मामला गड़बड़ चल रहा है। सब हमारे अपने बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे कि नहीं? अब एक बात समझो, अगर बाप का दो बेटा है और एक वफादार, खाना भी खिलाता है, कपड़ा भी देता है, सुरमा भी देता है, अतर भी लाग देता है, खिदमत भी करता है, और एक बेटा खाना बंद, सुरमा बंद, पानी बंद, लुंगी बंद, तो बाप वो बेटा को घर से भगाएगा कि नहीं भगाएगा? अरे बोलो ना यार। तो बेटा की दो किस्म हो गई, एक वफादार एक गद्दार, बोलो सही या गलत? तो जो गद्दार बेटा होगा वो बाप माँ मिल के जायदाद से खारिज करेगा कि नहीं, घर से भगावेगा कि नहीं? मगर जो वफादार है वो रखेगा, वो रहेगा। फैसला क्लियर हो गया कि आदम सारी दुनिया इंसानियत के बाप, हम उन सारे इंसान उनकी औलाद। अब जो औलाद वफादार है वो बाप के घर रहेगा, और जो गद्दार है वो बाप के घर नहीं रहेगा। तो बाप का वफादार वही बेटा है कि बाप ने भी कलमा पढ़ा है तो बेटा भी कलमा पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। देखिए अभी हम बोलना भी शुरू नहीं किए तो आगे पीछे बोलता को मंत्र पढ़ो, को बोलता संतर पढ़ो। तबे आप सेटिंग फिटिंग हमको करने दो ना भाई। बोलिए, ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट करेगा उसके बाद वो स्टेटर लेगा, पहला गियर लेगा, दूसरा लेगा, तब ना वो मारेगा भाई कि अचानक आप स्टार्ट की गाड़ी का चार नंबर दे दीजिएगा? अरे बोलो ना, हम उसी काम के लिए आए भाई, आप थोड़ा सब्र कीजिए ना भाई, थोड़ा आप चाचा बैठिए, आप बढ़ जाइए, थोड़ा सा हम सेटिंग फिटिंग करने दो ना, है ना हजरत? तब इतना बकाने से थोड़े होगा, एक बार तड़प के बोल दीजिए। इसको तड़पना बोलता है? मैंने मजाक कर रहा हूँ आप लोग, मैंने ऐसा लग रहा है कि जनाजा दफन कर रहे हैं। तड़प के बोलिए और लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए, हजरत लोग बैठे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में, बोलिए तब लगे ना कि इस इलाका का जलसा मशहूर है भाई। ये इलाका आते हैं हम 6 महीना चार्ज होके जाते हैं, अब पूरा हिंदुस्तान में बोलते हैं भाई, इधर जलसा कैसे सुना जाता है? चलो प्राण फूट लेके चलते हैं। देख ना 2:30 बज गया है मगर सबका चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे लगता है 9 बज रहा है। ये और किसी का फैजान नहीं, बरेली वाले सरकार आला हजरत का फैजान है। ये और किसी का फैजान नहीं, बरेली वाले आला हजरत के सदके में ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है। सरकार आला हजरत के सदके में पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फैजान है। अरे हम लोग तो वो सुन्नी मुसलमान हैं कि सब पाक हमरे पास ना, गौस पाक सुन्नियों के पास, खाजा पाक सुन्नियों के पास, वारिस पाक सुन्नियों के पास, आला हजरत पाक सुन्नियों के पास, मगर फिर भी सुन्नी नौजवान 24 घंटा रहता है ना पाक। बोलिए है कि नहीं? अभी मैं तुमरा का इलाका घुस रहे थे, क्या बोलते तुम लोग ढूक रहे थे ना, अभी कई जगह हमारा फोन आया, हमारा हम बंगाल जा रहे हैं, हमारा मूड मत खराब कर, हाँ बंगाल एरिया पड़ता ना आप लोग का भाई, अरे झारखंड है मगर आप लोग का कल्चर बंगाल ना, है ना हजरत? तो आप लोग सब नापा कई लड़का का भी हम देखे खड़े खड़े, नहीं समझे? अपना काम कर रहा हो? हाँ रे भाई, हम फैजी साहब को भी दिखाए, ये मशरूफ थे, हमने उससे ज्यादा अच्छा इधर देखिए, गलत बात है कि नहीं? मुफ्ती साहब बैठे हमारी जमात के बहुत जिम्मेदार आलिम है हजरत लोग बैठे, सबका नाम मैं नहीं जानता, इस बात याद रखो, कभी भी अपना जिस्म नापाक ना रखो। जिस कौम के पास पाक ही पाक, अल्लाह पाक, कुरान पाक, नबी पाक, अली पाक, हुसैन पाक, गौस पाक, ख्वाजा पाक, सभी पाक पाक, उसका मानने वाला रहे ना पाक। बोलो ये गलत है कि नहीं? तो आज के बाद आप लोग नापाक रहेंगे जी, आज के बाद नापाक आप लोग रहेंगे नहीं?
पाक साफ रहेंगे। क्या रहेंगे?